हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? फिलहाल तो मैं दिल्ली में हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है। हे दोस्तों, आप सभी का इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं एक ग्रीन गार्डन में हूँ एंड आप मेरा पोजीशन देख सकते हो। ये यहाँ पे मैं झूले पे बैठा हुआ हूँ। ये झूला देख रहे हो आप? झूला नहीं कह सकते यार, इसको कह सकते हैं बहुत सारे एक्सरसाइज की किट यहाँ पे लगी हुई है गार्डन में, और उनमें से जो ये एक किट है उस पर मैं बैठा हुआ हूँ और मैं अभी एक्सरसाइज करने लग रहा हूँ। और आप मेरे स्वेटिंग को देख सकते हो, ये आप देख रहे हो स्वेटिंग, साफ साफ पसीना दिखाई दे रहा है। पसीना दिख रहा है? ये साफ साफ पसीना दिखाई दे रहा है क्योंकि मेहनत करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद, थोड़ा दम लगाने के बाद जो है ना, वो पसीने का आना जो है तय है। तो अभी थोड़ा वैसे ठंड का मौसम है, बट ठंड के मौसम में एक्सरसाइज करने का मज़ा कुछ और ही है। तो अभी मैं वही एक्सरसाइज करने लग रहा हूँ। बहुत सारे एक्सरसाइज यहाँ पे करने के लिए हैं, ये मैं वन बाय वन करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हो मेरा सबसे फेवरेट एक्सरसाइज जो है ये वाला है। आपका जो मसल्स है, आपका बाइसेप एंड आपका जो शोल्डर है, इस वाले एरिया में काफ़ी अच्छा वर्क होता है इससे और मज़ा आ जाता है। तो अभी मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है आप लोगों को? चलिए करके देखते हैं। हे दोस्तों, तो सबसे पहला एक्सरसाइज मैं करने वाला हूँ, इसमें मेरा जो ये बाइसेप्स है और मेरा शोल्डर है यहाँ पे वर्क होता है, और आपके जो साइड के विंग्स होते हैं ना, इधर भी काम होता है इसके ऊपर। तो चलिए मैं इसको करता हूँ। इसके लिए पीछे सबसे पहले लीन हो जाना है और अपना जो रीढ़ का हड्डी है जो, उसको इसके अच्छे से इसको यहाँ पर लगा देना है बैक में, और आप अपने सुविधा के अनुसार थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर आप कहीं भी पकड़ सकते हो। एंड चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहला ये मैं करने वाला हूँ, ये रहा मेरा वन, ये पूरा यहाँ तक जाता है। मेरे हाथ दोनों जो हैं बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, और मैं ब्रीथ इन या ब्रीथ आउट का भी ध्यान रखना है। जब मैं यहाँ पे ऐसे लेके जाता हूँ तब मैं सांस को अंदर भरता हूँ, क्योंकि मैं एनर्जी अपना लगा रहा हूँ, अपना दम लगा रहा हूँ, तो सांसों को अंदर भरेंगे। और जब मैं वेट लॉस कर रहा हूँ, मतलब जब मैं छोड़ रहा हूँ, तब मैं सांस को बाहर निकालूंगा, ठीक है? ये ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का भी प्रोसेस साथ में चलना चाहिए, और इसका भी एक रिदम होना चाहिए, ना कि केवल आपके एक्सरसाइज का रिदम होना चाहिए, ऐसे बात नहीं बनेगी, समझ रहे हो गाइस? तो चलो फिर मैं दोबारा करता हूँ इसको। यार इसको कम से कम 20 का सेट करने वाला हूँ मैं, 3 बार। और जब ब्रीथ इन करते हैं तो वो हमारा जो है इनहेल जो करते हैं, सांस को अंदर की तरफ लेते हैं, वो नोज से ही होना चाहिए, मुंह से नहीं लेना है, ठीक है? और छोड़ते समय आपके पास ऑप्शन है, आप या तो नाक से भी छोड़ सकते हो या तो मुंह से भी छोड़ सकते हो, कुछ ऐसा। हाँ, मजा आ गया, बहुत ही अच्छा लगता है यार, काफी पंप हो गया मेरा। आप देख सकते हो मेरे बाइसेप्स जो है थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, बन के आ रहे हैं। और अब चलते हैं कोई दूसरा एक्सरसाइज कर लेते हैं यार। जैसे ये वाला एक्सरसाइज है, ये मेरा बहुत फेवरेट एक्सरसाइज है। इसमें क्या, आराम से इसके ऊपर जो है अपने दोनों पैरों को रखना है, और बस हाथों को यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह से यूज़ करना है, और एक पेंडुलम की तरह जो है अपने आप को बिल्कुल ऐसे ऐसे झुलाना है, ठीक है? ये कुछ देखने में थोड़ा फनी सा लग रहा होगा, बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार, बहुत मज़ा आने वाली है अगर आप करोगे ना, कभी किसी गार्डन में जाओगे बड़े सिटी में। फिलहाल तो मैं दिल्ली में हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है, तो अभी मैं दिल्ली के मज़े ले रहा हूँ। मैं ऐसा कुछ एक्सरसाइज करके फिटनेस भी हो जाता है और मज़ा भी आता है। तो आप लोग भी फिटनेस और एक्सरसाइज करते रहिए, अपने हेल्दी लाइफ से जुड़े रहिए। तो ये कुछ ऐसा पेंडुलम सा है, ठीक है? अब हम लोग आगे चलते हैं, किसी दूसरे उसको दिखाते हैं। आइए, इस वाले एक्सरसाइज करने के बाद जो है, आपने बहुत सारी आंटी लोगों को देख रखा होगा किसी फनी वीडियो में, या बहुत सारी वीडियो वायरल हो रखे हैं ऑलरेडी, जिसमें आंटी क्या करती हैं, बिल्कुल साड़ी वाड़ी पहनी होती है और तेज़ी से जो है इसको करती है। ये कुछ ऐसा है, वाह, देख रहे हो आप कितना मज़ा आ रही है? अरे यार, मुझे तो लग रहा है जैसे कि मेरे पैर ही फ्री हो गए हैं भाई, वाह क्या बात है, वाह, ये बहुत ही मस्त एक्सरसाइज है यार। इसीलिए आंटियाँ जो है ना, जब भी आती हैं गार्डन में, तो सबसे पहले इसी एक्सरसाइज को चुनती हैं, क्योंकि ये करने में मज़ा भी आती है और पैर का अच्छा एक्सरसाइज हो जाता है यार। आपके कमर, आपके रीढ़ की हड्डी,
और आपके दोनों थाइज, इस पे पूरा काम होता है, क्योंकि लोग घरों में बैठे रहते हैं तो बैठे बैठे हाथ पैर जाम हो जाता है, तो हाथ पैर को फ्री करने के लिए ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। तो कुछ ऐसा था ये। अब आगे करते हैं ये वाली एक्सरसाइज। इस वाले एक्सरसाइज में क्या काम होने वाला है अभी आप देखोगे। इसको लीन करके अच्छे से मैं अपने पीछे बैक को यहाँ पे सपोर्ट लेता हूँ और अपने दोनों पैरों को मैं यहाँ पे रखूँगा, और रखने के बाद जो है इसको सपोर्ट के लिए पकड़ भी सकते हैं या फिर इसको फ्री हैंड भी छोड़ सकते हैं। और कुछ ऐसा जाएगा ये एक्सरसाइज, इसमें आपके जो है ना ये वाले हनुमान जी की तरह बन जाएंगे, इस पर कट्स आ जाएंगे। अगर आप इसको कंटिन्यू करते हो ना, 30-30 का सेट लगाओगे अगर 3 बार, तो भी बहुत अच्छा इस पर कट्स आ जाएगा। ये आपके थाइस दोनों है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, तो इसको मैं करता हूँ यार 1, 2 एंड 20। तो ऐसा करके 3 सेट इसको मैं लगाने वाला हूँ। और चलिए और भी झूले आपको, और भी गार्डन के एक्सरसाइज वाली चीज़ दिखाता हूँ मैं। ये आपका एक्सरसाइज आपने देख रखा होगा वैसे जिम वगैरह में आपको दिखाई देते हैं, जहाँ पे आपका ये वाला एरिया जो है इसमें पंप होता है और इसमें अपने दोनों पैरों को स्ट्रेट रखते हैं और कुछ इस तरह से हम लोग ऊपर आ जाते हैं, और या फिर पैरों को ऐसे कर लीजिए एंड 1, 2, 3, 4, 5 अपने स्टेमिना के हिसाब से आप इसको कर सकते हो दोस्तों। एंड ये एक और नया आपके सामने, इसमें शायद पैडल की तरह चलने वाला है ये पूरा, आप देख सकते हो ये पैडल zigzag फॉर्म में जो है आपके एक पैर ऊपर एक पैर नीचे आएगा, और ये कुछ ऐसा मतलब सभी जो है ना आपके कसरत है और बहुत अच्छा कसरत है, जिसमें इन एक्सरसाइजों से जो है आपका नेचुरल तरीके से खुले एटमॉस्फेयर में आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल नेचुरल वातावरण है, चारों तरफ पेड़ पौधे लग रहे हैं और उनके बीच में जो है इसको बनाया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एस्टेब्लिश किया गया है भारत सरकार के द्वारा और दिल्ली सरकार के द्वारा, केजरीवाल जी के द्वारा आई थिंक, या उनसे पहले किसी ने किया होगा इस प्रोजेक्ट को पूरा, आई डोंट नो, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट जिन्होंने भी किया उनको थैंक यू। एंड क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है बहुत ही मज़ा देती हैं आपको, जो है दिन भर की बोरिंग से आपका दिन इंटरेस्टिंग बना देती है, कभी भी कर सकते हो यार, जब भी समय मिले आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए गार्डन में जाओ और इस एक्सरसाइज को ज़रूर करो, खास करके दिल्ली वासियों के लिए, मुंबई वासियों के लिए, जो भी बड़े महानगर में रहने वाले लोग हैं उनके लिए, क्योंकि गांव के लोग तो ऐसे ही नेचुरल एयर और उनका काम धाम जो घर का होता है उसमें फिट हो जाते हैं, बट बाहर वालों के लिए थोड़ा सा चैलेंज रहता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं यार ये कैसा है। इसमें भी पीठ में लीन हो गया मैं पूरा, है ना, और लीन होने के बाद जो है अपने हाथों से एक सपोर्ट बनाता हूँ और इसको आगे की तरफ लेता हूँ, तो ये कुछ ऐसा जाता है आई थिंक, इसमें बिल्कुल स्ट्रेट रह के मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें मेरे हाथों पे काम हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो ये एरिया है ना इसके मसल्स जो है इनकी ट्रेनिंग हो रही है, ये पंप हो रहे हैं और ये मजबूत बन रहे हैं। वाह क्या बात है यार, वेरी गुड, बहुत अच्छे एक्सरसाइज है ये। तो ये कुछ ऐसा था, मैं बस आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, वैसे करने के लिए तो आधे घंटे का समय लगेगा, आप लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं होगा, बोर हो जाओगे, वीडियो चेंज कर लोगे, कहीं और चले जाओगे, मगर ये हेल्दी बातें हैं, बने रहो वीडियो में यार, सब कुछ देखो, समझो चीज़ों को। ये देखो आपका, मेरा इतनी स्वेटिंग आ रही है कि मैंने ये खोल के बाहर फेंक दिया, इसको मैं बगल वाले पे रख लेता हूँ और इस वाले इसको मैं अभी दिखाता हूँ। ये देखो मस्त वाला यहाँ पे सीट बना हुआ है और कुछ ऐसा हैंडल पकड़ने के लिए है, और यहाँ पे दोनों पैरों को मैं ऐसे नीचे की तरफ रख दिया है। वाह ऐसे लग रहा मैं साइकिल पर बैठा हुआ हूँ यार, बचपन में साइकिल चलाते थे तब की याद आ गई, बहुत ही मज़ा आ रही है। हाँ तो इसमें कुछ देखो ये काफ़ी फनी है यार, ऐसे मैं स्ट्रेट हो जा रहा हूँ, देखो ये मेरे पूरे यहाँ से यहाँ तक जो है एक लाइन सी बन जा रही, लीनियर एक पूरा बन जा रहा है, पूरा स्ट्रेट हो जा रहा है मेरा पूरा बॉडी, और जैसे ही मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ऐसा कुछ आ रहा है जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ। तो इसी को कंटिन्यू करेंगे ना तो हमारे बॉडी के शायद ये रीढ़ की हड्डी वाला मसल्स जो है बहुत अच्छे से ट्रेन हो रहा है इसमें, एंड और जो जो भी मसल्स का पार्ट आपके बॉडी का पार्ट ट्रेन होगा ना वो स्ट्रांग होगा, हेल्दी बनेगा और आप हमेशा फिट रहोगे, डॉक्टरों के चक्कर से बचोगे। तो कुछ ऐसा है यार, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे करने का मन कर रहा है अभी, इसको छोड़ने का मन नहीं कर रहा, मगर मुझे आगे भी बताना है, तो चलो चलते हैं फिर दूसरे वाले एक्सरसाइज पे। ये कुछ आप देख सकते हो, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, आप लोगों ने देख रखा होगा यार,
नहीं देखा तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ये देखिए दोनों पैरों को यहाँ जमाने के लिए जो है स्पेस दिया गया है। दोनों हैंडल को ऐसे पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद वन बाय वन जो है अपने हाथों के सहारे से और पैरों के सहारे से कुछ ऐसा चलता है ये। और एक रनिंग जैसा एक आपकी जॉगिंग टाइप का एक्सरसाइज है, आप एक फिजिकल जॉगिंग कर रहे हो। इसमें पूरा बॉडी के अंदर के जितने आपके मसल्स हैं, आपके ऑर्गन्स हैं, और वो सब कुछ हिल रहा है, इसमें अच्छे से पंप हो रहा है। और कुछ ब्रीदिंग के साथ जो है इसको रिदम बना के आप कर सकते हो, लंबे समय तक चलेगा ये, क्योंकि तो इसमें जल्दी आप थकते भी नहीं हो, कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत ही ईजी है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों ये वाला किट, आप देख सकते हो काफ़ी स्टैंडर्ड लग रहा है, काफ़ी हाई क्वालिटी का है सारा प्रोडक्ट जो है, प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट है, काफ़ी महंगे आइटम है ये, जिनको गवर्नमेंट ने इंस्टॉल करवा रखा है बड़े शहरों में। अब आप देखो कि ये कैसे पेंडुलम की तरह जाने वाला है। वाओ, आपका एक पैर आगे एक पैर पीछे, कुछ इस तरह ये काम कर रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे दो लोग बैठ सकते हैं, मतलब खड़े हो सकते हैं, एक बंदा इधर खड़ा हो जाएगा, आपका कोई फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स, एक आप यहाँ पर हो जाओगे। और वाओ, ये तो ऐसे भी चल रहा है यार, मतलब इसमें वन बाय वन पैरों को भी ले जा सकते हैं और पैरेलली भी हम पैरों को, मतलब ये झूला की तरह काम कर रहा है ना, और काफ़ी मज़ा आ गया। अगर वन बाय वन करते हैं तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका, जो मैंने आपको अभी लास्ट वाले में दिखाया। और एक साथ अगर हम लोग डोलना चाहते हैं तो एक साथ भी डोल सकते हैं। वाओ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे यार। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना यार, जल्दी से कमेंट करके बताओ ये वाला कैसा है, है ना। तो चलिए आगे दिखाते हैं, अभी और भी बच रहे हैं दो तीन। एंड आप देख सकते हो ये वाला दोस्तों, इस वाले में क्या है ना, आपके हाथों को फ्री करेगा ये, ठीक है। तो मैं बगल वाले में दिखाता हूँ ताकि साफ साफ हम लोगों को दिखाई दे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेटली ऐसे हाथ को पकड़ेंगे, पहले एक हाथ से कर लो इसको, ठीक है, वन हैंड को फ्री कर लो, एक हाथ को सर्कल बनाएंगे, ठीक है, एक हाथ से तेज़ी से सर्कल बनाएंगे, तो इससे हाथों की एक्सरसाइज होगी। एंड फिर इसको धीरे धीरे स्लो कर लो, फिर दूसरे हाथ को कर लो, कुछ ऐसा दोनों तरफ से मोशन बना सकते हैं, या तो फिर क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज, जैसे चाह लें आप बना लें। और फिर क्या करेंगे, आप दोनों हाथों को एक साथ पकड़ेंगे, ठीक है, और दोनों हाथ को पकड़ के ऐसे ले जाएंगे, ये हमारे हाथों को जो है आपस में वो करता है, ज्वाइंट करता है। तो ये भी एक अलग तरह का एक्सरसाइज है, ये दूसरा एक्सरसाइज हो गया इसका। तो ऐसे दो एक्सरसाइज मुझे अभी समझ में आ रहा है, मैं यही करता भी हूँ इसमें, तो यही आपको दिखा भी दिया, इंटरेस्टिंग है वैसे। अब हम लोग आते हैं कमर, अपने कमर को स्लिम बनाने वाला एक्सरसाइज। तो आप देख सकते हो यहाँ पे तीन ऐसा बना हुआ है, बहुत ही मजबूत लोहे का स्ट्रक्चर है ये। एंड देख सकते हो दोस्तों, अच्छे से मैं इसमें जो है ऐसे ऐसे करता हूँ तो मेरे कमर पे काम हो रहा है। आप लोगों ने जिम में देख रखा होगा, मगर ओपन एयर में करने का मज़ा ही अलग है कि नहीं। तो मैं कुछ ऐसा ये कर रहा हूँ ना, तो मेरे कमर पे काम हो रहा है पूरा, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इसमें जो है आपका कमर, जिसका जाम हो गया, कमर में दर्द रहता है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है ये वाला। अब हम लोग आते हैं ये वाला, इसमें हमारे सिक्स पैक बनते हैं, है ना। चलो खुली हवा में सिक्स पैक बनाते हैं यार। तो इसमें कुछ ऐसे अपने पैरों को जाम करेंगे एंड यहाँ पे आके मैं आराम से लेट जाता हूँ और अपना एक पोज बना लेते हैं, जैसे अपने सर के पीछे अपना हाथ रख लिया या फिर ऐसा कुछ कर लिया। यहाँ पे दोनों गर्दन के सामने अपने दोनों हाथों को रख लो और यहाँ से रिदम के साथ जो है हम लोग उठेंगे बार बार और अपने पैक्स को मजबूत करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको, वन टू थ्री फोर फाइव। ये अपने स्टेमिना के हिसाब से आप 20 का 30 का 10 का सेट बना सकते हो और तीन सेट कर सकते हो। डेली करने से जो है ना आपका ये एरिया जो जिसको कोर एरिया कहते हैं, ये आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड हाँ, ये आपका कोर एरिया है दोस्तों, तो आपका कोर एरिया स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये वाला एरिया। और उसके बाद जो है आप कुछ ऐसा भी कर सकते हो, ये मैंने कैसे किया क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस करी है मैंने इसके लिए। और इसमें जो मेरा कोर स्ट्रेंथ है, जो भी मेरा इनर मतलब एरिया है, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इसके लिए, नहीं तो आपका क्या है ना बैलेंस नहीं बनता है। तो
तो आप लोग भी बैलेंस बनाओ और कुछ ऐसा करो यार, इंटरेस्टिंग इंजॉय करो लाइफ को यार, एक ही बार तो लाइफ मिलता है बॉस। तो कुछ मैं चलो यार फिर आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। ये छोटी सी प्यारी सी वीडियो, इसको मैं ब्लॉग नहीं कहूँगा, इसको मैं एक छोटा सा हेल्थ बेनिफिट के लिए, थोड़ा सा सजेशन देने के लिए और ऐसा कुछ दिखाने के लिए मैंने एक, मुझे लगा कि यार अपने दोस्तों को दिखाना चाहिए तो मैंने बना दिया। और आशा करता हूँ अगर आप लोगों को पसंद आता है ऐसा वीडियो ना तो कमेंट करके बताइए, तो मैं आगे और भी ऐसे वीडियो में आपको बना के दिखाने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ, अपलोड करने वाला हूँ। और तब तक चलो यार आप लोग भी अच्छे से अपना ख्याल रखिए, अपने और अपने फैमिली मेम्बर का, और ऐसा ही कुछ एक्सरसाइज करते रहिए जो भी आपके समझ में आता है, आपके सराउंडिंग में जैसा भी माहौल है उस हिसाब से जॉगिंग कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, जिम में चले जाइए और फिटनेस के साथ जुड़े रहिए। फिर ये जो ये ओमिक्रॉन क्या क्या आने वाला है ना फ्यूचर में, ये सब बिल्कुल आपको तंग नहीं करेगा, आप फिट रहोगे, दुरुस्त रहोगे। तो फिर मिलते हैं यार ऐसे ही किसी वीडियो में दोबारा, बन रही है हमारे चैनल के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, तभी मेरे आने वाले वीडियो भी आप तक पहुंच पाएंगे। और जो बेल का बटन होता है ना उसको दबाने से नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। तो फिर जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर करो अधिक से अधिक यार, फैलाओ लोगों में। चलो फिर बाय बाय, टाटा, सी यू। Like an animal, we don't need, you don't like.